बड़ा ताजबाग ट्रस्ट किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। इसी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है, जिसमें ताजबाग अवलिया नगर निवासी सैयद अहमद ने ट्रस्ट के अध्यक्ष प्यारे खान पर गंभीर आरोप लगाया है कि उनके घर का काम प्यारे खान के कहने पर रोका गया है। साथ ही प्यारे खान द्वारा उन्हें डराया और धमकाया भी जा रहा है। इस मामले पर हमने सिक्के का दूसरा पहलू जानने के लिए हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने ट्रस्ट अध्यक्ष प्यारे खान से फोन पर बात की, इस मामले पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो क्या कहा प्यारे खान ने, आइए डालते हैं उस पर एक नजर। नमस्ते सर, बड़ा ताजबाग ट्रस्ट का और एक मामला सामने आया है। ताजबाग के अवलिया नगर निवासी सैयद अहमद ने आप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके घर का काम आपके कहने पर रोका जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है, अब देखिए वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का किसी का भी लॉस होगा, उनके जगह अगर मैं भी रहता तो मैं भी यही बोलता, लेकिन कैसा है कि हम लोग सिस्टम से बंधे हुए हैं। जब गरीब किसी गरीब का नुकसान होता है, मेरे को उनसे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि क्या गरीब आदमी जो होता है, जो पैसा एक एक पाई जोड़ के जो घर बनाता है अपना, तो मैं भी गरीबी से गुजरा हूँ और मुझे पता है। लेकिन कैसा है, हम लोग कोर्ट के आदेश के और चैरिटी कमिश्नर के आदेश के हम लोग मजबूर है, हमको 84 एकड़ की जगह की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। पर वो बंदे ने क्या किया मालूम है क्या, रोड पे घर बना लिया है। अब वो अभी वहाँ का सर्वे चालू है, अब रोड चौड़ा होगा तो घर टूटेगा, तो हम उसको बोल रहे कि भाई उस समय ज्यादा नुकसान होने से अच्छा अभी जो बना हुआ वैसे ही रहने दे, भला तू टीन का बना ले उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर पक्का बनाएंगे और कल को टूट गया तो वो हमारे को बद्दुआ देगा। इससे पहले भी एक दो लोगों के घर रास्ते में टूट चुके, तो उनको मैंने अपने पास से पैसा दिया। तो क्या है, हमारा काम है, हमको चैरिटी कमिश्नर ने और हमको कोर्ट ने बोल के रखा है कि 84 एकड़ में कोई भी नया कंस्ट्रक्शन जो हो गए वो तो हो गए, कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करने देना नहीं है। ऐसे कोर्ट के और इसके क्या बोलते हैं, हमारे पास ऑर्डर है, क्या नाम है, चैरिटी कमिश्नर के, जो 84 एकड़ है, क्योंकि वो बाबा की जमीन है, बाबा को दान की हुई जमीन है और वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम चालू है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये बड़ा ताजबाग से जुड़ी हुई जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है, पर उनका यह अभी कहना है कि ये विवाद चल रहा है कि ये जमीन किसकी है, इसका अभी तक किसी को नहीं, नहीं, नहीं हजरत मैडम, उनको पूरी चीज पता ही नहीं है। आप किसी को भेज दीजिए चैरिटी कमिश्नर में, वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंट्स है, स्कीम में 84 एकड़ के ऊपर जगह जो है वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे चैरिटी कमिश्नर में। बिल्कुल, तभी तो वहाँ का सेंक्शन होके काम चालू है ना, मैं तो गवर्नमेंट के बेवकूफ है कि 132 करोड़ रुपए लगा दिया। अभी गरीब लोग है, उनको उतना समझता नहीं, अब उनसे हम लोग वाद विवाद कर भी नहीं सकते। सर, उन्होंने आपके इस्तीफे की मांग भी की है, इस पर क्या कहोगे? काय की मांग की है? आपके इस्तीफे की मांग की है। मेरे इस्तीफे की, अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कोई मेरे को गलत साबित तो करके दिखाए। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो बिल्कुल मैं इस्तीफा दे दूंगा, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद सर दी हुई जानकारी के लिए।